नमस्कार, पल पल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। करतारपुर साहिब सिखों का पवित्र तीर्थ स्थल है। ये सिखों का प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी का निवास स्थान भी रहा है। कहा जाता है कि यहीं पर उनका निधन भी हुआ, जिसके बाद उनकी याद में यहां पर गुरुद्वारा बनाया गया। इतिहास की माने तो 1522 ईस्वी में सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी करतारपुर आए थे। उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी समय में 17 से 18 साल यहीं पर गुजारे थे। 22 सितंबर 1539 को इसी गुरुद्वारे में गुरु नानक देव जी ने आखिरी सांस ली थी, इसलिए इस गुरुद्वारे का भी काफ़ी महत्व है और दुनिया भर में इसकी मान्यता भी। आपको बता दें कि करतारपुर साहिब पाकिस्तान के नारोवाल जिले में स्थित है। ये भारत के पंजाब के गुरदासपुर जो जिला है वहाँ से डेरा बाबा नानक से 3 और 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और उधर पाकिस्तान में लाहौर से करीबन 120 किलोमीटर की दूरी पर है। भारत में पंजाब के डेरा बाबा नानक से अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक कॉरिडोर का भी निर्माण किया गया है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में भी सीमा के नारोवाल जो जिला है वहाँ पर गुरुद्वारे तक कॉरिडोर का निर्माण करवाया गया है। इसी को करतारपुर साहिब कॉरिडोर कहा जाता है। सिख धर्म के लिए ये एक अहम स्थल है। करतारपुर साहिब को सबसे पहला गुरुद्वारा भी माना जाता है, जिसका नींव पत्थर स्वयं गुरु नानक साहब ने रखा था और यहीं पर उन्होंने अपने जीवन के अंतिम साल भी बिताए। कहा यह भी जाता है कि बाद में रावी नदी के कारण बाढ़ में ये गुरुद्वारा बह गया था, लेकिन जिसके बाद वर्तमान में जो गुरुद्वारा बना हुआ है उसे महाराजा रणजीत सिंह ने दोबारा निर्माण करवाया था। पहले ये पूरा पाकिस्तान भारत का हिस्सा था और भारत पाकिस्तान बंटवारे के समय ये गुरुद्वारा पाकिस्तान में चला गया। भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद में कॉरिडोर बनने से सिख समुदाय के लोगों को आसानी से दर्शन मिलने लगे हैं। उनका सालों का इंतज़ार भी खत्म हो गया। गुरु नानक साहब का 550वां प्रकाश पर्व मनाने के बाद करतारपुर साहिब कॉरिडोर को भारत और पाकिस्तान की दोनों सरकारों ने सहमति से खोल दिया। 2018 में इसका शिलान्यास करवाया गया था। आपको बता दें कि पहली बार 1999 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जब लाहौर बस यात्रा शुरू की थी तब पहली बार करतारपुर साहिब कॉरिडोर बनाने का भी प्रस्ताव दिया गया था। गुरु नानक साहब सिख धर्म के संस्थापक और पहले गुरु भी थे। उन्होंने ही अपनी शिक्षाओं की नींव रखी जिस पर सिख धर्म का गठन हुआ था, लेकिन उनकी शिक्षाओं और आदर्शों को पूरी दुनिया में मान्यता है। अपनी शिक्षाओं को फैलाने के लिए उन्होंने पूरी दुनिया भर में यात्राएं भी की थी। उनकी शिक्षाओं को 974 भजनों के रूप में यानी वाणी के रूप में अमर कर दिया गया, जिसे आज गुरु ग्रंथ साहिब धार्मिक ग्रंथ के रूप में माना जाता है। आप देख रहे हैं पल पल की विशेष रिपोर्ट ओम प्रकाश के साथ। तो नाले वीडियो शेयर करते पूरी पार्किंग का बाइक ने चाल के अंदर इन्हें कट लेंगे अंदर बाट लेंगे। ये पाकिस्तान की बॉर्डर की जीरो लाइन है। यहाँ से करतारपुर साहिब के लिए एंट्री होती है। एक दो लोग को दे दो।
सिमाय जिनको पाई।